नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। ग्राउंड से रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले मैच में पंजाब पर धमाकेदार जीत के बाद आपकी टीम खिताब की बड़ी दावेदार बन गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। टीम ने 20 ओवर्स में 257 रन बनाए थे। वैसे आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बेंगलोर के नाम है। तो आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही हैं। लखनऊ ने पंजाब के खिलाफ 257 रन बनाए थे और मैच को 56 रनों से जीत लिया था। तो जाहिर है आपकी टीम से दूसरी टीमों का घबराना लाजमी है। फिर चाहे फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली की टीम ही क्यों ना सामने हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को तो हम उनके घर में हरा कर आए हैं। वो जीत भी कम जबरदस्त नहीं थी। आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड पर 20 ओवर्स में 212 रन बनाए, जिसके बाद आपकी टीम ने मैच की आखिरी गेंद पर 213 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया था। हम सब जानते हैं कि कान्हा स्टेडियम की जो पिच है थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजों को मदद करती रही है। यहाँ पहले इनिंग का औसत स्कोर 157 रन है। टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पहले बॉलिंग करना चाहती है। यहाँ खेला गया पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच था, जिसको आपकी टीम भुला देना चाहेगी। मुकाबले में जीटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 135 रन बनाए थे। उसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सिर्फ 128 रन ही बना पाई और मुकाबला 7 रनों से हार गई। एक अच्छी बात है कि आरसीबी स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। यहाँ इकाना में उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। लखनऊ के स्पिनर आरसीबी की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को 5 विकेट से मिली जीत में स्पिनर्स की भूमिका अहम रही थी। युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अब तक 6 विकेट ले चुके हैं, जबकि अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा और कृणाल पांड्या भी प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं। मार्कवुड फ्लू के कारण और आवेश खान चोटिल होने के कारण पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। और अब देखना होगा कि आरसीबी के खिलाफ ये दोनों तेज गेंदबाज उपलब्ध होते हैं या नहीं। Comfort zone, sort of drop our intensity, thinking, okay, we're going to bowl on this wicket, we can just roll our fingers, we're going to be fine. Let's make sure we still respect the game in that regard. With the wicket, we go at 100%. You know, we can't afford to think, okay, the wicket's going to help us out, blah, blah, blah. All right, so switch on to that. You can do something, whatever you're doing there, and then just come there with a purpose, what we're doing on that side of it. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेंगलोर को हर हाल में जीतना जरूरी होगा। यहाँ पे अगर यहाँ हारे तो बाकी बचे 5 मैच की बदौलत प्लेऑफ में पहुँचना उनके लिए आसान नहीं होगा। आरसीबी के नियमित कप्तान फैफ डुप्लेसी सिर्फ बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम ने विराट कोहली को ही कमान सौंप रखी है। बेंगलोर के बल्लेबाजों से ज़्यादा रन और डेथ ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी करने की उम्मीद है। आरसीबी की टीम पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 81 रन की करारी हार के बाद इस मुकाबले में उतर रही है और उनकी निगाहें जीत की राह पर लौटने की होगी। आरसीबी के लिए डेथ ओवर्स की गेंदबाजी चिंता का सबब बन गई है। नई गेंद से प्रभावित करने वाले मोहम्मद सिराज और डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ हर्षल पटेल ने अंतिम ओवरों में काफ़ी रन खर्च किए हैं। राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े हुए वानिंदु हसरंगा और एडी की चोट से उबर रहे जॉश हेजलवुड की गैरमौजूदगी ने आरसीबी की समस्या बढ़ा दी है। आरसीबी की बल्लेबाजी में गहराई है, सब मानते हैं। मुंबई के खिलाफ विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसी की सलामी जोड़ी ने जीत की बुनियाद तैयार की थी, लेकिन नाइट राइडर्स के खिलाफ पूरा बल्लेबाजी क्रम फिरके के जादू के में उलझ कर बिखर गया था। लखनऊ की टीम वहीं पुरानी गलतियों से सबक ले चुकी है और घरेलू कंडीशन का पूरा फायदा उठाएगी। और मैंने पिछले रिपोर्ट में कहा था कि जो भी टीम में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा पंजाब के खिलाफ जो मैच है, उसके बाद आपकी टीम तेज़ी से प्लेऑफ की राह पर बढ़ेगी। और जिस तरह से पंजाब के खिलाफ आपकी टीम ने प्रदर्शन किया उसके बाद इस टीम को रोक पाना मुश्किल होगा। जी, अपने मैदान पर खेल रही है, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल पिच नहीं है, लेकिन हमारे स्पिनर्स बेंगलोर को जीतने देंगे मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।